हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा एक स्मॉल ऑडियो एम्पलीफायर कैसे आप घर पर ही बना सकते हैं, यही आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, जो आईसी से आप मैं ऑडियो एम्पलीफायर बनाऊंगा, वो आईसी का नंबर है 6283, जो अवेलेबल मिलता है मार्केट में, सीडी में और चिप मशीन में यूज़ होता है ज़्यादातर। तो बहुत ही आसान तरीका मैं दिखाऊंगा कैसे आप बहुत आसानी से घर पर ही एक ऑडियो छोटा सा एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, यह है वो आईसी, जो आईसी आपको मार्केट में बहुत ही अवेलेबल मिल जाएगा, 6283 नंबर का आईसी है। और ज़रूरत है दो कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का वैल्यू है 1000 UF 25 वोल्ट का और 22 UF 25 वोल्ट। ये दो कैपेसिटर ज़रूरत है, तो आप देख सकते हैं। और ज़रूरत है दो रेजिस्टेंस, और जिसका वैल्यू है 1K और 100 ओम्स। तो फ्रेंड, और कुछ नहीं, यही चारों चीज़ों से ही बन जाएगा बहुत अच्छी एक एम्पलीफायर। वीडियो थोड़ा सा लंबा और स्लो किया इसलिए क्योंकि आप आसानी से समझ पाएंगे जो मैंने बनाया। तो फ्रेंड, और ज़्यादा बात ना करके चलिए शुरू करते हैं। तो यही है वो आईसी, और जो जो पिन मैं यूज़ करूँगा वही पिन को थोड़ा सा एंगल कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा करने से यही आईसी का साथ जो भी कनेक्शन करना होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए यह 100 ओम्स रेजिस्टेंस और 22 UF 25 वोल्टेज का कैपेसिटर।
तो आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही कनेक्शन करना होगा, बहुत ही आसान तरीका। बस हो गया। और यह है इसका सर्किट, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं 12 वोल्टेज सप्लाई, और ये आईसी 12 वोल्टेज सप्लाई से ही काम करेगा। 12 वोल्टेज सप्लाई का आईसी है। और आईसी का जो लास्ट पिन है ये 12 वोल्टेज सप्लाई के लिए, ये जो लास्ट पिन यहाँ पे 12 वोल्टेज सप्लाई इन करना होगा। और जो ब्लैक वायर यहाँ पे इसका ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई, तो फ्रेंड देखा कितना अच्छा क्वालिटी साउंड हो रहा है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।